नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। बरेली के शहरी इलाकों में कोरोना अपना कहर बरपाने के बाद अब गांव में अपना कहर बरपाना शुरू कर चुका है। एक तरफ जहां शहर में लगातार कोरोना से मौतों के आंकड़े बढ़ रहे थे, वहीं अब गांव का भी हाल कुछ ऐसा ही है। बता दें, बरेली के रामगंगा घाट पर रोजाना दर्जनों शव का अंतिम संस्कार होता है और जब रामगंगा घाट पर बुझी हुई चिताएं देखेंगे तो ये साफ तौर पर जाहिर हो जाएगा कि अब भी गांव देहात में कोरोना से होने वाली मौतों पर अंकुश नहीं लग पाया है। बरेली के रामगंगा घाट पर महज एक एक फीट की दूरी पर चिताएं जलाई गईं। रामगंगा घाट पर देखने में दिल दहल जाता है क्योंकि यहां एक चिता से दूसरी चिता की दूरी एक फीट से भी कम है। ये बुझी हुई चिताएं इस बात का गवाह है कि शहर के बाद गांव में हजारों लोगों ने इस महामारी में जान गवाई है। आपको बता दें कि रामगंगा घाट पर ज्यादातर देहात क्षेत्र के शवों का दाह संस्कार किया जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां रोजाना शवों का आना लगा रहता है। वहीं गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं पहुंच पा रही हैं। गांव में मरीजों की ना जांच हो पा रही है और ना ही दवाएं मिल पा रही है, जिसके चलते बिना इलाज के भी लोग जान गंवा रहे हैं। वहीं गांव में कोरोना को लेकर जागरूकता की कमी भी देखने को मिल रही है। अधिकतर लोग कोरोना की जांच भी नहीं करा पाते हैं और उनके परिजनों की खांसी, जुकाम और बुखार के चलते मौत हो रही है, जो कि कोरोना के लक्षण होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जेएमडी खबर के साथ। नमस्कार।